आसमान से लाया जाएगा जमीन में। क्या बोलता हूँ जाने, मुझे तो पूछ लिया। ट्वीट किए हैं आरजेडी की तरफ से, ये बड़ी पार्टी है, आपको जमीन बड़ी मिलेगा, कार्यालय परिसर जो है उन लोगों का। क्या बात करते हैं, सबको पार्टी को मिला हुआ कार्यालय। नहीं पार्टी की बड़ी बड़ी, क्या बोलता हूँ जाने, वही पूछिए। सबसे बड़ी और आज तक जो सभी पार्टियों को दिया गया, जो इंतजाम किया गया 2006 के बाद, ही नहीं मालूम है सारी जो रिकॉग्नाइज पार्टी जो उसको कभी दिया है ये लोग। ये जमीन तो हम ही लोग ना दिए हैं, जो चॉइस किया वही ना मिला हुआ है, तो भला बताइए आसमान से लाया जाएगा जमीनवा। ये सब कोई बोले तो पूछ लिया करिए। सर सर विधायक जी के बारे में क्या क्या कार्रवाई हो रही है सर? जान रहे हैं ना, ये कोरोना का जो चक्कर आया है उसी के चलते तो कोई भी स्थिति अभी तो जान रहे हैं कि आप जानते हैं कि जो गंगा नदी का जल स्तर कितना ऊँचा हुआ, तो हम सब देखने के लिए गए, तो वहाँ भी गए, तो सब चीज को देखते हैं, बातचीत भी करते हैं, तो उसके लिए तो करते ही जाते हैं। हम लोग तो लगे ही हुए हैं। अगर एक बार जो पाटलिपुत्रा है, ये पाटलिपुत्र समझ रहे हैं दुनिया का सबसे पुराना है, अगर यहाँ के बारे में कुछ निकल जाएगी तो कितने टूरिस्ट आएंगे और कितना यहाँ का जो इतिहास है वो इतिहास और ज़्यादा सार्वजनिक होगा, तो लोग आएंगे और नई पीढ़ी के लोग और बढ़िया से जानेंगे देखेंगे। तो इसके लिए हम लोगों की इच्छा तो शुरू से रही है, लेकिन कहीं कोई जमीन नहीं रहने के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो इधर फिर हमने कहा कि, इन लोगों ने कहा कि जरा चल के देखिए जो सरकारी है अगर वहाँ होते, इन्होंने कुछ देखा है नीचे ही कुछ थोड़ा सा तो देख लिया, बहुत पुराना वो मिल गया ये प्रकाश, तो मतलब हम समझते हैं कि 2000 साल से पुराना। सर प्रकाश पूज का भी सर निरीक्षण किए सर, अभी आप प्रकाश पूज का भी निरीक्षण किए क्या? यहाँ तो आप जानते नहीं हैं, 2017 में ही हम लोगों ने सब तय किया, इसका शिलान्यास भी किया 17 के दिसंबर में, काम शुरू हो गया 18 में, काम बन गया, लेकिन बिल्डिंग तैयार हो गई, लेकिन उसमें जो कुछ भी चीज़ों को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए तैयार करना है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो हम पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, तो अंत में आज हम फिर गए और फिर हमको जो बताना था कि कौन कौन चीज़ें कहाँ पर क्या लगानी चाहिए, उन लोगों ने भी तैयार किया है जो पहले से कुछ था, और उसके अलावा हमने और भी सजेस्ट किया कि जो भी चीज़ था वहाँ, तो आप जानते हैं गुरु नानक देव जी आए सबसे पहले आए थे, तो उनका भी है, तो सबको मिला करके, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का तो एक जन्म ही हुआ था और उसके बाद सब तरह से जो और बाकी सुविधा दी गई है, तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए आप जानते हैं कि प्रकाश पुंज हमने उसको कहा जो शुरू हुआ, अब प्रकाश पर्व बगल जहाँ पर लोगों के रहने का इंतजाम किया गया तो भी देख लिया। तो अब इस साल जो होगा अगले शायद जनवरी में तो अगर इस बार तक तैयार हो जाएगा तो लोगों को सुविधा ना होगी, तो इसी के लिए हम सब देख रहे हैं। सर ये कुल मिलाकर के पर्यटन क्षेत्र को विकसित और उसकी संभावना दिख रही है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है सूखी सर्किट आपने बनवाया है, काफ़ी बढ़िया, वो तैयार है लगभग 2 सालों से।